लोगों को बताते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर भी चलते हैं कि एडमिट कार्ड जारी किया गया है या फिर नहीं। तो एक आपको एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देते हैं और उस प्रेस नोट को भी दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि साथियों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमने रीट 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो यहां पर देखिए एडमिट कार्ड को लेकर कोई नई अपडेट नहीं आई है। तो देख सकते हैं यहां पर अभी फॉर्म चालान नंबर और री प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रहा है और यहां पर कोई किसी प्रकार की एडमिट कार्ड को लेकर कोई नई अपडेट नहीं है। और दोस्तों एडमिट कार्ड को लेकर रीट विज्ञप्ति 2022 की में यानी बताया गया है। तो चलिए दोस्तों उस रीट विज्ञप्ति 2022 को बताते हैं। जैसा कि साथियों यहां पर देख सकते हैं रीट विज्ञप्ति 2022, तो यहां पर देखिए साथियों जब आपने रीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय की विज्ञप्ति है, उस समय एडमिट कार्ड को लेकर बताया था। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहां पर ऊपर पढ़कर देख सकते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 और माध्यमिक शिक्षा संस्थान अजमेर। तो नीचे की तरफ लेकर चलते हैं तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर दिया गया है जो वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि यहां पर 14 जुलाई। तो यहां पर देख सकते हैं कि 14 जुलाई शाम 4 बजे से अपना प्रवेश पत्र रीट लेवल 1 और लेवल 2 वाले डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों 14 जुलाई से शाम 4 बजे से रीट 2022 का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और यहां पर परीक्षा तिथि 23 और 24 जुलाई, जो कि आपको पता होगा 23-24 जुलाई को रखी गई है। और यहां पर जो प्रथम जो अब की परीक्षा हुई दोस्तों, 4 पारियों में होने वाली है। प्रथम पारी में यहां पर रीट लेवल 1 की और बाकी 3 पारियों में रीट लेवल 2 की परीक्षा होगी। तो दोस्तों यहां पर